हैं अपडेट मीडिया 24x7। हम आपको दिखाएंगे हर क्षेत्र से जुड़ी सारी अहम खबरें। तो चलिए उससे पहले रुक करते हैं आज के ताजा खबरों की तरफ। होश में आओ, होश में आओ, अपना अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाओ, कर्तव्य निभाओ, कर्तव्य निभाओ। सहारा इंडिया परिवार के हजारों जमाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट के नेतृत्व में किया रूट मार्च कर किया विरोध प्रदर्शन। कस्बा पनवाड़ी में सहारा कार्यालय से हजारों महिलाओं की ओर पुरुष जमाकर्ताओं की भीड़ अपना अपना जमा धन वापस मिलने की उम्मीद से एकत्र होकर दिल्ली से आए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अजय टंडन से मिलकर अपना अपना जमा धन वापस पाने की आस में आज सहारा कार्यालय में एकत्र हजारों की संख्या में लोगों ने तख्ती बैनर आदि लेकर सीनियर एडवोकेट के साथ पैदल मार्च करते हुए कोतवाली पनवाड़ी पहुंचकर सहारा परिवार के मालिक सुब्रत राय के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का सामूहिक रूप से प्रार्थना पत्र दिया। कस्बा पनवाड़ी कार्यालय में जमाकर्ताओं का लगभग 300 करोड़ रुपए जमा है, जिसका भुगतान कई वर्षों से नहीं हो रहा है। जमाकर्ताओं के साथ सहारा अभिकर्ताओं में विशाल गुप्ता, मोहित अग्रवाल, पुष्पेंद्र सिंह बुंदेला सहित दर्जनों अभिकर्ता मौजूद रहे। अब आपका शुभ नाम क्या है और आप आज पनवाड़ी किस उद्देश्य से पधारे हैं? उद्देश्य सिर्फ एक है, महा चंडाल, महा पापी, महा डकैत और योगी और मोदी का पार्टनर सुब्रत राय सहारा से 25 लाख करोड़ रुपए इस आदमी ने 25 करोड़ लोगों से पूरे देश का लूटा है और महोबा डिस्ट्रिक्ट के आसपास के जिलों का 200 करोड़ रुपया 1 लाख से अधिक लोगों से लूटा है। उनको पाई पाई दिलवाना है, एक एक पाई दिलवाना है, ब्याज सही दिलवाना है और इस महाचंडाल सरकारों के पार्टनर सुब्रत राय को तिहाड़ जेल इसके खानदान के साथ भिजवाना है और इसकी सात पीढ़ियां बर्बाद कर देनी है। अपडेट मीडिया के लिए पनवाड़ी से ब्रजेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।